ओके डी यर स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो दिस इज़ द अवर लास्ट सेशन एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रेगुलर एंड इरेगुलर बर्ब सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसिस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म या प्रिंसिपल पार्ट ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर बर्ब हमें अगेन वही करना है कि रेगुलर इरेगुलर वर्ब का कोई भी बेस्ट पार्ट या बेस्ट फॉर्म हमें यहाँ पर चूज़ करना है तो देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से भी फिल इन द बलेंस आते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिल इन द बेलेंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सडन डिमांड फॉर हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सोक्लोरोन एक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ बीन अब देखिए हमने तो पढ़ा है लास्ट क्लास में कि जहाँ पर भी बीन का यूज़ करते हैं बीन बी ई ए एन बीन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज है वर्पी थर्ड फॉर्म और हमें पता है कि एराइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है एराइजन ए आर आई एस ई एन एराइजन राइट स्टूडेंट इतना समझ में आ रहा है तो देखिए मैंने पूरा सेंटेंस भी अभी अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे ऑलरेडी ये समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे एराइज की कौन सी फॉर्म को यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पास्ट पार्टिसिपल राइट अब हम गो थ्रू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की साइड तो देखिए यहाँ पे लिखा है द कंपनीज आर कॉन्फिडेंट ऑफ राइट स्टूडेंट पूरा सेंटेंस से पढ़ने की नीड नहीं है मुझे अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ अब आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा जहाँ पर भी आपको ऑफ लिखा हुआ मिले या ऑफ के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन लिखी हुई मिलती है जैसे ऑफ एट इन राइट ऑन लेकिन टू को छोड़ के टी ओ टू टू को छोड़ करके जहाँ पर भी आपको कोई प्रेपोजिशन लिखी हुई मिलती है और प्रेपोजिशन के जस्ट आफ्टर यानी कि ठीक तुरंत बाद आपको कोई यहाँ पे वर्ब यूज़ करनी होती है तो वर्ब हमेशा और हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज़ करते हैं हम तो देखिए यहाँ पे रैम्पिंग अप रैम्पिंग अप लिखी हुई है राइट तो रैम्पिंग अप का मतलब होता है बढ़ाना ठीक है जैसे प्रोडक्शन बढ़ाना या कुछ भी हो गया बढ़ाना तो देखिए यहाँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी हुई है आई एन जी लगा हुआ है इस क्लास में तो यहाँ पे रैम्पिंग तो क्या रहेगी एज इट इज़ राइट आगे बढ़ते हैं इफ़ द इफ़ द नीड इफ द नीड अब इसके इसमें हमें ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है अब देखते कि इसकी कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं इस वर्ब की तो देखिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ देखिए मैं आपको जो ये बात बता रहा हूँ ये हमेशा ना आप अपने अपने ब्रेन में इसको स्टोर करके कर रखिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द नीड इफ द नीड जब भी कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है जैसे ये स्टार्ट हो रहा है इफ से मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जब भी कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं राइट सिंपल प्रेजेंट तो अगर मैं अराइज के सिंपल प्रेजेंट की बात करूँ तो क्या आना है अराइज़ राइट इतना समझ में आ रहा है लेकिन लेकिन स्टूडेंट्स हम जो सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पर हमें एस ई एस या फिर आई एस को भी फॉलो करना पड़ता है लेकिन कब फॉलो करेंगे जब सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर होगा राइट तो देखिए अब इफ द नीड यहाँ पे जो द नीड लिखा हुआ है ना ये नीड, इट इज अ सब्जेक्ट, राइट और सब्जेक्ट हम मानेंगे यहाँ पे सिंगुलर और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या क्या बनता है तो नीड के ठीक तुरंत बाद यहाँ पे एराइज नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा एराइज ए आर आई एस ई एस राइट और आपको ये भी पता है कि मैंने यहाँ पर ऐसे ही क्यों ऐड किया है क्यों क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट वीडियोस के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो भी रूल्स बताए हैं अगर वहाँ पे कोई भी रूल केबल या अप्लाई नहीं हो रहा है तो हमें सिंपली वहाँ पर ऐस को यूज़ करना होता है राइट स्टूडेंट इतना समझ में आ रहा है आपको अब हम गो थ्रू करते हैं थर्ड फिलअप पे तो देखिए यहाँ पर लिखा है देर इज़ नो ड्रग अवेलेबल टू अब देखिए ये शायद मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे प्रिवेंट की कौन सी फॉर्म हमें यूज़ करनी है क्योंकि लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जहां पर भी आपको टू लिखा हुआ मिलता है ना तो वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट ही हमें यूज़ करना होता है तो हम यहाँ पर प्रिवेंट को एज़ इट इज़ यानी सेम हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा राइट समझ में आ रही है इतनी बात नेक्स्ट फोर हम फोर्थ पे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है मोर रिसर्च वर्क इज अब देखिए लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी इज ए आर लिखा हुआ मिल जाए अब उसके बाद या तो यूज करते हैं वर्ग थर्ड फॉर्म या फिर हम यूज़ करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल राइट अब आप इसको सॉल्व करने से पहले पूरा सेंटेंस को एक बार रीड कीजिए मोर रिसर्च वर्क इज ठीक है यहाँ पे नीड के कोई भी फॉर्म यूज़ होगी और यहाँ पे इस्टेब्लिश की कोई भी फॉर्म यूज़ होगी तो हमें इसको अभी सिंपली ऐसे बोलते हैं कि मोर रिसर्च वर्क इज़ नीड टू इस्टैब्लिश द एफिकेसी ऑफ ड्रग यानी कि जो भी ड्रग है यानी कि दवाई है उसकी एफिकेसी को इस्टैब्बलिश करने के लिए हमें और भी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है राइट अब आप मुझे बताइए कि कहीं पे क्या कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है नहीं आ रहा है और मुझे पता है कि जब कोई कंटिन्यूटी का साइंस नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें सिंपली इसके ठीक बाद क्या यूज़ करनी पड़ती है हमें यूज़ करनी पड़ती है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं की थर्ड फॉर्म तो देखिए इसकी वर्क थर्ड फॉर्म क्या होगी नीड नीड की तो सिंपली नीड की थर्ड फॉर्म होगी नीडेड एन ई ई डी ई डी नीडेड राइट इतना समझ में है आपको नेक्स्ट टू अब देखिए यहाँ पे तो टू आ रहा है और मुझे पता है कि टू के ठीक तुरंत बाद क्या आती है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म तो इस्टेब्लिश को हम एज इट इज ऐसा ही के ऐसा रहने देंगे राइट स्टूडेंट समझ में आ रहा है नेक्स्ट फाइव हम गो थ्रू करते हैं फाइव सेंटेंसेज में तो देखिए यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट राइट द गवर्नमेंट फेसिस द चैलेंज ऑफ अब देखिए जैसे ही ऑफ लिखा हुआ मिला ऑफ तो क्या है यहाँ पे प्रापोजिशन और मुझे पता है कि जब भी कोई प्रापोजिशन के ठीक बाद हमें कोई वर्ब यूज़ करनी पड़ती है तो वो हमेशा आई फॉर्म में होती है तो यहाँ पर हम नॉर्मलाइज को नॉर्मलाइज नहीं लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मलाइजिंग एन ओ आर एम ए एल आई एस आई एन जी नॉर्मलाइजिंग राइट आगे बढ़ते हैं सम लेवल ऑफ डेली लाइफ एंड देखिए अगर यहाँ पर एंड आ रहा है ना तो एंड का मतलब ये होता है कि जी जो ओफ है, ओफ ये जो ऑफ है ऑफ़ यहाँ पर ये ऑफ इस वाले फिलप के लिए भी रेस्पॉन्सिबल था और ये वाला ऑफ इस फिलअप के लिए भी रेस्पॉसिबल है राइट right? और मुझे पता है कि ऑफ़ के अकॉर्डिंग तो हमेशा वर्किंग फर्स्ट होम प्लस एन जी यूज़ करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो ये ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऑयल द व्हील्स ये लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेज फ्रेज बेसिकली हम सेंटेंस के उस पार्ट को बोलते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना होगा हमें सिंपली यहाँ पे करना होगा ऑयलिंग द व्हील्स क्योंकि ऑयल है यहाँ पे वर्ब तो क्या लिखेंगे ओ आई एल आई एन जी राइट अब बात करते हैं फिलप की तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी एम हैज राइट द पी एम हैज अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपको हैज़ ए हैव लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ पर हम बेसिकली यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए ये जो शॉर्टिक मैं आपको बता रहा हूँ ना आज ये केवल और केवल आपको एक बार लर्न करने की नीड होगी उसके बाद जब जब आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस गिवन होंगे, कि जहाँ पर टू यूज़ होगा ऑफ यूज़ होगा हैज़ ए हैव यूज़ है है होगा तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली है ना आपके ब्रेन ब्रेन पे ये चीज़ स्ट्राइक कर जाएगी तो देखिए हैस के बाद जब वर्क भी थर्ड फॉर्म आती है और मैंने तो याद किया हुआ है कि सीख की थर्ड फॉर्म होती है सॉट तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एस ओ यू जी एच टी सॉट राइट स्टूडेंट अगर आपको थोड़ा भी समझ में, में प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई डाउट बनता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑफ इट राइट स्टूडेंट और आप मेरी आपसे एक विनती है कि रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए ताकि न्यू न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो देखिए कम से कम अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है ना नेक्स्ट सेवंथ की बात करते हैं यहाँ पर लिखा है द न्यू सिलेक्शन कमेटी will have to अब देखिए मैंने तो आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर भी टू आता है तो हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिट डाउन यहाँ पे क्या आएगा एज इट इज तो देखिए यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में वर्ब्स लिखी हुई है ना यहाँ पे ये यह सभी के सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड अब देखिए विद एम एस धोनी एंड और मैंने आपको लास्ट सेंटेंस <coughs> में क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जब भी एंड होता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन यूज़ हो रही होगी ना जैसे यहाँ पे यूज हो रही है टू तो टू जो है टू इस वाले फिलप के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है और यही टू इस वाले फिलप के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे क्यों क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म के रूप में लिखी हुई है नेक्स्ट हम गो थ्रू करते हैं सेंटेंस एट की साइड तो देखिए यहाँ पे लिखा है ही नोज हाउ टू अब अगेन टू आ रहा है तो मुझे पता है तो कीप तो यहाँ पे क्या रहेगा एज इट इज रहेगा कि हम बोलेंगे ही नोज हाउ टू कीप अस ऑल ऑल राइट अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा इस्टूडेंट वर्की थर्ड फॉर्म और मुझे पता है कि वर्गी थर्ड फॉर्म होती है एंटरटेन्ड ई एन टी आर टी आई एन ई डी राइट एंटरटेन्ड अच्छा मैंने यहाँ पर वर्गी थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ की है मैंने यहाँ पे वर्क विथ हाउट फॉर्म इसलिए यूज़ किए क्योंकि जो भी पास्ट पार्टिसिपल होता है ना उसका काम होता है यानी कि वो शो करता है कि कोई काम है ना कंप्लीट है अपने आप में राइट अब देखिए ही नोज हाउ टू यानी कि वो जानता है कि हमें किस तरह से एंटरटेन करना है यानी कि हमें लगातार लगातार किस तरह से वो हमारा मनोरंजन करता है तो यहाँ पे एंटरटेन एक तरीके से ये हो रहा है कि ये वर्क को ये रिप्रेजेंट कर रहा है हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं नाइन्थ पे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाइन्थ द लिक्वार कंपनीज हैव और मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी हैज़ ए हैव आए वर्ग भी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है ठीक है अच्छा तो यहाँ पे क्या करेंगे आप पेट को यूज़ करेंगे अच्छा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एंड देखिए एंड एंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ब या वर्ड जो भी लिखा होगा ना वो इस वाले फ़िलअप के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है और वो इस वाले फ़िलअप के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है तो ऐसे हम क्या करेंगे हम यहाँ पर भी अलाउ के थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं अलाउड राइट लास्ट टेंथ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी न्यू दैट दे वर फिलअप ऑन वैकेशन टू दुबई और यहाँ पे आ रहा है गो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते थे कि वे छुट्टियों पर जा रहे हैं कहाँ पर दुबई जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है वर राइट वर तो वर के बाद हमेशा या तो आती है वर की थर्ड फॉर्म ठीक है जैसे इज एम आर के साथ आती है ना वर की थर्ड फॉर्म या आई एन जी उसी तरह से वो जो वर्ग के साथ भी वर्ग की थर्ड फॉर्म या आई आती है अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस सेंटेंस में कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है या फिर नहीं तो अगर मैं इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ता हूँ कि वी न्यू यानी कि हम जानते थे दैट वर गोइंग ऑन वैकेशन टू दुबई यानी कि वो छुट्टियों पर जा रहे थे कहाँ पे दुबई तो देखा जाए तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है कॉन्टीन्यूटी का सेंस आ रहा है तो हम सिंपली क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर गोइंग जी ओ आई एंड जी गोइंग राइट स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मैं एक अंदर से क्यूरियस हो सकूँ यानी कि मेरे अंदर एक एंथुजियाजम आ सके स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट थैंक यू सो मच एंड देट वॉज अवर लास्ट वीडियो ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वावर अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले बेसिकली एक न्यू टॉपिक राइट स्टूडेंट ओके थैंक यू सो मच